के संदड़ी में लूनी नदी में आवागमन शुरू। भद्रो का बाड़ा से लूनी नदी होकर कोटड़ी जाने वाले रास्ते पर ग्राम पंचायत भद्रो का बाड़ा की ओर से ग्रेवल डालकर आवागमन को सुचारू रूप से शुरू करने की कवायद शुरू की गई। लूनी नदी में प्रदूषित पानी के बहाव से आवागमन प्रभावित हो गया था, जो ग्राम पंचायत ने इस मार्ग की सुध ली और आवागमन को प्रारंभ किया, जिससे आमजन को आने जाने में फायदा मिल सके। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शैतान सिंह माली की रिपोर्ट। कोटड़ी बल्लो का बाड़ा, ये रास्ता कई दिनों से प्रदूषित पानी से बंद था। आज मौके पर ग्राम पंचायत बल्लो का बाड़ा और ग्राम पंचायत कोटड़ी, हम दोनों सरपंच यहाँ मौजूद रह के ये रास्ता चालू करवा दिया और आम ग्रामीण जनों को ये सूचना कि आपके लिए रास्ता खुल गया है। नहीं तो हमारे पूरे ग्रामवासियों को जब समुद्री से यहाँ आना पड़ता है अपने गंतव्य स्थान पर, तो एक आर्थिक नुकसान भी होता था। जब टैक्सी में आते थे 300 रुपये की जगह टैक्सी वाले लोग 800 रुपये लेते थे। तो आज सभी को ये सूचना है कि आप इस रास्ते से निकल सकते हैं। रास्ता आज देर रात तक खुल जाएगा, हम दोनों सरपंच मौके पे मौजूद हैं। तो खबरों बस ये चला, मैं चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।